हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय निधि। सो आज की इस वीडियो में हम आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 1 का चैप्टर नंबर 2 एडिशन करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं थोड़े से चैप्टर्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले वीडियो का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी। साथ साथ चैप्टर नंबर 2 एडिशन भी जो मैं इसमें कराने वाली हूँ उसका बुक का पीडीएफ फॉर्म भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 एडिशन है मेरे पास आईएमओ वर्कबुक ओलंपियाड वर्कबुक एमटीजी की तरफ से, जो कि महावीर सिंह के द्वारा पब्लिश्ड है, वो देख रहे हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, किस किस टॉपिक से सिलेबस में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो टॉपिक कौन कौन से हैं? एडिंग वन डिजिट एंड टू डिजिट नंबर्स, एडिंग नंबर्स गिवन इन फॉर्म ऑफ नंबर नेम्स एंड प्लेस वैल्यू। यही नंबर नेम में भी आपको दिया जा सकता है, प्लेस वैल्यू फॉर्म में भी दिया जा सकता है, उसको भी आपका एडिशन में आएगा। एडिशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, ये भी इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर है। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी एडिशन पे, और प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो इन एडिशन भी होगा कि अगर हम जीरो से किसी नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आंसर रहता है, ये होते हैं जीरो प्रॉपर्टी। तो ये भी इसमें डिस्कस की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अरेंज द नंबर्स ऑन द फिश फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी ये फिश दी हुई है 4, इनमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए टोटल नंबर जो है वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, हमारे पास दो दो नंबर दिए गए हैं, उनको हमें ऐड करना है। फिर हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटे क्रम में हमें उसको लगाना है, अरेंज करना है, ताकि जो कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहलाता है। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं 8 प्लस 9, तो 8 एंड 9 इफ यू विल प्लस देम यू विल गेट 17। आपके पास क्या आंसर आता है? 17। 20 प्लस 2 क्या आ जाता है हमारे पास? 22। ठीक है, 12 प्लस 17 क्या आता है हमारे पास? 29। एंड 13 प्लस 5 आता है हमारे पास? 18। ये हमने कर लिया एडिशन। अब हमें अरेंज करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 29। इसका मतलब क्या आएगा सबसे पहले अल्फाबेट? आर। जो आर फिश है वो सबसे बड़ा नंबर है उसके पास। देन उसके पास कौन सा नंबर है? 22, यानी क्यू फिश के पास उससे थोड़ा छोटा नंबर। देन उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास? 18, यानी एस नंबर फिश। एंड देन उसके बाद हमारे पास है पी, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आर क्यू एस पी। सो आर क्यू एस पी आपको दिखाई दे रहा है कहीं? यस, आर क्यू एस पी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है कि अबैकस दिए हुए हैं हमारे पास, 3 अबैकस दिए हुए हैं, यानी इनके बीच में क्या सिंबल है? प्लस का साइन है, यानी इन दोनों अबैकस के जो नंबर्स हैं उनको प्लस करके इक्वल्स टू, यानी इतने अबैकस इतने नंबर्स आना चाहिए। तो ये किस में दिया हुआ है, कि कौन सी स्टेटमेंट में दिया हुआ है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3, 73। ठीक है, वैसे तो आप 73 देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 73 हमारे पास ये है ना, बाकी सब में तो 73 है ही नहीं, तो उसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार तसल्ली करने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास? 1 एंड 2 12, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 85। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 73 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 85, जो कि हमारा ए ऑप्शन, जो कि हमने पहले ही लगा लिया था। अगर हमारे पास यहाँ पर भी 73 होता है, यहाँ पर भी 73 होता है, यहाँ पर से, तो हमें पूरा करने की जरूरत होती है सॉल्यूशन। अदरवाइज आपने देखा कि 73 से स्टार्ट हो रहा है और 73 हमारे पास एक ही दिया हुआ है, तो हम इजिली सिर्फ उसको देख के ही टिक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, इफ साक्षी एड ए नंबर 48 शी विल गेट 48। साक्षी के पास एक नंबर था 48, सपोज साक्षी के पास 48 कैंडीज हैं, 48 टॉफीज हैं, उसने उस 48 टॉफीज में कुछ और टॉफीज मिलाई, लेकिन अभी भी उसके पास 48 ही रह जाता है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर मिलाया था? ऑफकोर्स जब 48 का 48 ही रह गया है तो उसका मतलब कुछ नहीं ऐड किया उसने, तो दैट इज जीरो, यानी जीरो ही ऐड किया है उसने। 48 में जीरो ऐड किया तभी 48 आया, तो ये हमारी जीरो प्रॉपर्टी भी कहलाती है। तो हमारा आंसर है पी, यही है जीरो प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास वही सेम नंबर आता है, यानी इफ वी ऐड जीरो टू अ नंबर वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर बॉन्ड. ठीक है, ये आपको दिया हुआ नंबर बॉन्ड, यहाँ पे दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 23 आंसर आएगा. ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, 21s. आपको सबको पता है वंस एंड टेंस हम ऐसे लिखते हैं. यहाँ कह रहा है 21s एंड 3 tens. 3 tens तो ठीक है, यहाँ पर 3 tens का मतलब क्या होता है हमारा, 30. ठीक है, 3 tens का मतलब है 30. तो मैं यहां लिखूंगी 21s का मतलब क्या है, 20, एंड 3 tens का मतलब क्या है, 30, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50. बट हमें तो 23 चाहिए ना. तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 tens. 2 tens का मतलब क्या होता है, 20, क्योंकि 2 जो है टेंस प्लेस पे है. और 3, 3 tens यानी 3 भी टेंस प्लेस पे है, फिर भी हमारा आंसर 50 आ रहा है. तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है. 2 tens यानी 20 और 3 ones. वंस में हम सिर्फ सिंगल डिजिट लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 23. ठीक है, 3 tens यानी 30 प्लस 2 ones यानी 2, हमारा आंसर आ गया 32. सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 23. सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट, क्योंकि उसमें हमारा आंसर 23 आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन बोथ द बास्केट्स. दोनों बास्केट्स के अंदर मिलाकर कितने फ्लावर्स हैं. तो क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 फ्लावर्स हैं बास्केट पी में, 1 2 3 4 5 5 फ्लावर्स हैं हमारे पास बास्केट क्यू में. तो यहाँ हम ऑप्शन वाइज देख सकते हैं, 8 + 5 7 + 5, 8 + 6 7 + 4. नहीं, 8 + 5 सही है ना, तो 8 + 5 13, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा. और इस बुक की पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो आप बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के गिवन लिंक से. ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्या दिया हुआ है, 3 कैप्स हैं हमारे पास, 3 कैप्स हैं हमारे पास, जिसमें 53 + 46 इज इक्वल टू वॉट. सो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, 53 में 46 को प्लस करना है. ठीक है, तो कुछ बच्चे मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ को लिखने की जरूरत पड़ेगी. तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको. क्या है, 6 + 3 क्या आया था हमारा, 9. 5 + 4 क्या आता है, 9. यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 99. ठीक है, समझ आ गया. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द ट्री. इस ट्री के ऊपर जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर है, उन दोनों का सम बताना है. सम क्या होता है, एडिशन. जब भी सम वर्ड आप सम देखेंगे, तो सम का मतलब होता है हमें हमेशा प्लस करना है. ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पर, 15. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 82. ठीक है, दोनों को हमने प्लस करना है. तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 + 2 = 7. हमेशा हम पीछे की साइड से प्लस करेंगे, वंस कॉलम से प्लस करेंगे. ठीक है, तो ये 5 + 2 = 7, 8 + 1 = 9. सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट, 97. फाइन, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. अ बॉय जंप्स 3 steps फ्रॉम 0 एंड देन 2 steps, वेयर विल ही रीच. 0 से एक लड़के ने स्टार्ट किया, पहले वो 3 jump पे गया. ए बॉय जंप्स 3 steps, पहले 3 jump step किया उसने, 3 steps जंप किए, देन 2 steps यानी 1 and 2. कहाँ कहाँ पहुंचा है हमारा बॉय, 5th point पे. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. 11 + 3 इज शोन बाय विच अबेकस. 11 + 3 क्या होता है, 11 + 3 इज 14. ठीक है, 14 किस पर है, देखिए टेंस में, यानी वंस कॉलम में 4 होनी चाहिए बीड्स, और टेंस कॉलम में 1 bead होना चाहिए. इसमें तो 1 bead है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है. इसमें भी 1 bead नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है. सीधे सीधे हम यहाँ देख लेते हैं कि इन दोनों में 1 1 है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब देखिए 4 किस में है, 1 2 3 4, इसी में है 4. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5. इसका मतलब ये नंबर 15 है, लेकिन हमें तो चाहिए था 14. सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, एड द नंबर्स ऑन द गिवन अबाकसेस। ये दो अबाकस दिए हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। थोड़ा सॉरी, थोड़ा पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है ये, 1 2 3 4 43, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 35। सो हम ऐड कर लेंगे, 43 प्लस 35, पीछे से ऐड करना शुरू करेंगे, 3 प्लस 5 8 एंड 4 प्लस 3 7। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 78, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर यानी यहाँ पर कोई नंबर आएगा, 8 है, 8 वे हमें कुछ प्लस करना है और हमारा आंसर 15 आना चाहिए। जैसे कि हम से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 8 बॉल हैं, आपके पास 8 बॉल हैं, आपने आपको आपके फ्रेंड ने कुछ और बॉल दी है आपको, अब आपके पास 15 बॉल हैं, तो आपको बताना है कि कितनी बॉल्स आपके फ्रेंड ने आपको दी हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं 8 के आगे, अगर आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं कि 8 के बाद आगे काउंटिंग शुरू करते हैं 15 तक। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, कितनी स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी हमें हमें 7 बॉल्स और मिली हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो है वो इन फिगर्स को देख के ही हमने सॉल्व करना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास इन सेट एक्स एंड सेट जेड। सेट एक्स और सेट जेड के बनानास को मिला के हमें बताना है कितने बनानास हैं। तो पहले काउंट कर लेते हैं, सेट एक्स और जेड में कितने बनानास हैं, यहाँ कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हैं, ये हमारे पास हैं 14 बनानास, और जेड में कितने हैं काउंट करते हैं, ये हमारे पास 23 बनानास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है सेट एक्स और सेट जेड, सेट एक्स और सेट जेड के मिला के कितने हो गए, 4 प्लस 3 7 एंड 2 प्लस 1 इज 3, 37। 37 यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 37 बनानास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी इन्हीं फिगर को देख के हमें आंसर करना है। तो 13 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास इन सेट एक्स एंड सेट वाई एंड जेड, तीनों में कितने हैं। अगर आप चाह सोच रहे हैं कि तीनों प्लस करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, दोबारा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखिए एक्स और जेड तो आपने ऑलरेडी प्लस किया हुआ है ना, आपको वाई और अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो वाई में कितने हैं, यहाँ काउंट कर लेते हैं, 12, यानी आपने 14 और 23 तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, 37 हो गया, तो उसमें हम 12 और ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 इज 9 एंड 3 प्लस 1 इज 4, हमारा करेक्ट ऑप्शन है 49, ये हमारा करेक्ट, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिक्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी कम टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते यूज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपरली, कि करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। तो इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार छोटी सी ट्रिक में बताती हूँ कि आप बार बार प्लस करके देखेंगे, इससे बेटर क्या कर सकते हैं, आप ना वंस कॉलम को चेक कर लीजिए। जैसे ये क्या है हमारे पास 2 और ये क्या है हमारे पास 6, तो 2 प्लस 6 क्या होता है, 8, ये ठीक आ रहा है ना। एक बार और देख लेते हैं सारे, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 तो 5 होता है, यहाँ 1 दे रखा है, इसका मतलब ये तो गलत है। 9 प्लस 0, 9 ही होता है, तो ये भी ठीक है। 1 प्लस 8, 9 ही होता है, ये भी ठीक है। यानी हमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा निकल गया, बिना हमने एडिशन किए, हमने सिर्फ ऑप्शन को देखते ही हमने पता लगा दिया कि ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप वंस वंस एक बार चेक कर लो। अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें गलत आ रहा था, तो आप उसको फिर मैनुअली चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम इजिली इस ट्रिक को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए हम बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द आंसर ग्रेटर देन 35, यानी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनको प्लस करके देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 35 कौन सा है। सो अगर हम प्लस करते हैं 13 प्लस 16, तो हमारे पास आंसर आता है, देखो 3 प्लस 6, शॉर्ट ट्रिक करते हैं,
3 + 6 क्या है? 9। 1 + 1 क्या है? 2, 29। 7 + 1 क्या है? 8। एंड देन 1 + 1 क्या है? 2, 28। अभी तक दोनों छोटे ही नंबर आ रहे हैं ना, हमें ग्रेटर बताना है। 3 + 2 क्या है? 5। 2 + 1 क्या है? 3, 35। ये ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर है। 2, 4 + 0 क्या है हमारे पास? 4। एंड 2 + 2 क्या है? अगेन 4। सो ग्रेटर देन 35 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये 44 है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ आ रहा होगा। सो ये हमारा चैप्टर, ये हमारा पार्ट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का, वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस, जो कि हैं हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, एवरीडे मैथमेटिक्स यानी वो उस तरह के क्वेश्चन जो आपके जर्नल डेली लाइफ में यूज होते हैं या हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी, जैसे आपसे कोई भी जर्नल अंकल आंटी मौसी ताऊजी चाचाजी ये सब लोग पूछ लेते हैं ना कई बार कि बच्चे ये बताओ इसमें ये प्लस किया ये क्या हुआ, ये बताओ इसमें प्लस किया ये क्या हुआ, तो इस तरह वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, इन अ जंगल देयर आर 5 लायंस, 4 एलिफेंट्स एंड 20 डियर, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐड करेंगे 5 लायंस, 4 एलिफेंट्स एंड 20 डियर। तो इन सबको प्लस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। 5 + 4 = 9, +0 इज दैट ओनली 5 + 4 + 0 इज 9 एंड देन इट इज 2। सो देर आर टोटल 29 एनिमल्स इन द जंगल, जंगल में 29 एनिमल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17 है, दीपांशु हैज 43 चॉकलेट्स, ही बाइज 7 मोर चॉकलेट। यानी दीपांशु के पास पहले 43 चॉकलेट्स थी, उसने 9 चॉकलेट्स और खरीद ली। ठीक है, बाइज मोर चॉकलेट मीन्स 9 चॉकलेट, 9 चॉकलेट और खरीद ली। सो हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव ऑल टुगेदर। सो ये वर्ड फिर से आ गया हमारे पास, ऑल टुगेदर, यानी अब उसके पास कुल मिला के कितनी चॉकलेट्स हुई। तो ये सिंपल सा है, इसमें भी हमने क्या करना है, एडिशन करना है। यानी पहले हमारे पास थी 43 चॉकलेट्स, उसमें हमने और ऐड कर दी 9 चॉकलेट्स। तो अब ये क्वेश्चन जो आ गया है हमारा रीग्रुपिंग वाला आ गया, यानी रीग्रुपिंग यानी कैरी वाला आ गया है, कि अगर हम 9 में 3 प्लस करते हैं तो 9, 10, 11, 12, 12 आता है। तो 12 हम पूरा का पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे था, और 1 जो है वो हमारा कैरी ओवर चला जाता है। ठीक है, तो अब 4 में 1 प्लस करेंगे हम 5, सो आंसर आ गया हमारा 52, यानी अब दीपांशु के पास 52 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, देर आर 13 बॉयज एंड 42 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 13 बॉयज हैं, 13 लड़के हैं और 42 गर्ल्स हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल वर्ड्स आ गया फिर से, टोटल मतलब अब सारे बच्चे कितने हैं पूरी क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 13 बॉयज को 42 गर्ल्स में ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। सो हमारा आंसर आएगा 3 + 2 = 5 एंड 4 + 1 = 5, सो आंसर है 55, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 55 क्लास के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, देर आर ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं एंड 1, 2, 3, 4, 4 चिकन, हाँ इनके बच्चे चिकन है, इन अ फार्म, हाउ मेनी टोटल बर्ड्स आर देयर इन द फार्म। तो है तो बर्ड्स ही ना, चाहे हैं ना चाहे उनका बेबी है, तो कितनी टोटल बर्ड्स हैं। तो इसको हम ऐसे भी यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद आगे हम ऐड कर लेते हैं 4, यानी 9, 10, 11, 12, तो टोटल बर्ड्स कितनी हो गई हमारे पास, 12 बर्ड्स। फाइन, क्वेश्चन नंबर 20, श्रेया बॉट 12 कप केक्स ऑन मंडे, मंडे को उसने 12 कप केक खरीदे, 10 कप केक्स ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को 10 खरीदे, 34 ऑन वेंसडे, तीनों दिन यानी मंडे इतने, ट्यूजडे इतने, थर्सडे वेडनेसडे इतने, तो हाउ मेनी कप केक्स डिड शी बाय ऑल टुगेदर। सो उसने टोटल कितने कप केक्स खरीदे। फाइन, तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम, मंडे को उसने इतने खरीदे, ट्यूसडे को उसने इतने खरीदे एंड वेंसडे को उसने इतने खरीदे, तीनों को हम
ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 + 2 = 6, क्योंकि 0 तो हमने ऐड ही नहीं करना, 0 तो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। 3 + 1 = 4 + 1 = 5, सो हमारे पास टोटल हो गया 56, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास एवरी मैथमेटिक्स का पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम शुरू करेंगे अचीवर सेक्शन यानी HOTS, हॉट्स क्वेश्चन, जो कि होते हैं हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। चलिए देख लेते हैं। आरव एंड हिज 3 फ्रेंड्स इक्वली शेयर 40 स्टेप्स। एक आरव और उसके 3 फ्रेंड्स ने 40 स्टेम्प्स, ये 40 स्टेम्प्स आपको पता है जो आप पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स के ऊपर लगाते हैं वो होती है हमारी स्टेम्प्स। तो आरव और उसके 3 दोस्तों ने ये 40 स्टेम्प्स जो हैं आपस में बांटी, तो हर एक बच्चे को कितनी स्टेम्प्स मिली। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आप ही डिवाइड डिविजन मैंने बताया नहीं है आपको, तो उसके लिए आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं, 4, तो एक बार में एक एक मिल गया सबको, 1 2 3 4, एक एक मिल गया सारे फ्रेंड्स को, दो दो मिल गए, अब तीन तीन मिल गए, यहाँ हो गया 4 4 मिल गए, 5 5 मिल गए, 6 6 मिल गए, 7 7 हो गए हमारे पास, अब हो गए हमारे पास 8 8, और ये हमारे हो गए 9 9, और ये हमारे हो गए 10। यानी कितने ग्रुप्स बने हैं, हमने कितनी बार, जैसे हम कहते हैं ना वो प्लेइंग कार्ड्स में खेलते हैं कि पहले एक बच्चे को एक दिया, दूसरे को दूसरा दिया, तीसरे को तीसरा दिया, चौथे को चौथा दिया, फिर दोबारा से उसी बच्चे की बारी आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने 4 4 के ग्रुप बना लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जितने भी बने कितने बने, 1 ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ग्रुप बने, यानी हर एक बच्चे के पास 10 10 स्टैम्प्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देखें 3 है हमारे पास, यहाँ पर 3 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाएगा, यस यू आर राइट, 1 प्लस करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। तो हमें एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लगातार, जो सीक्वेंस, सॉरी लगातार नहीं, जिस सीक्वेंस में पी और क्यू लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, 3 और 1 करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप ये मत सोचिएगा कि 3 पहले लिखा है और 1 यहाँ पे लिखा है तो 3 1 हो जाएगा, नहीं, पी पहले है क्यू बाद में है, तो पहले पी की वैल्यू आएगी फिर क्यू की वैल्यू आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मुड़ते हैं। 7 more than 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय विच नंबर लाइन, यानी 7 more than 10, 10 से 7 ज्यादा, ठीक है, वो कौन सी नंबर लाइन पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 0 से 7 पे गया, 7 से 14 पे गया, तो ये तो 7 7 स्टेप्स बढ़ रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या है, 10, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्यों, फिर से बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। 7 more than 10 यानी 10 से 7 स्टेप ज्यादा, यहाँ 0 से 10 पे चला गया फर्स्ट स्टेप, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए इसको देख लेते हैं फिर भी, वैसे तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं कि ये गलत क्यों है। देखिए 0 से 6 6 से 10, यहाँ तो 6 और 10, 6 की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए 6 से 10 देन 10 से 12, ये भी गलत ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट, इज करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट वाला ऑप्शन देखना जो सही वाला ऑप्शन है। अब इसको भी हम ऑप्शन वाइज देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है, 8 tens, यहाँ पर ये 1s वैल्यू है, ये 10s की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ लिखा है 8 tens, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये तो 8 तो 1s की प्लेस में है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ देखिए 3 tens, 3 tens की जगह पे है और 4 1s की जगह पे है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देखते पता चल गया। अब देख लेते हैं ये वाला क्यों गलत है, देखिए 14 1s और 5 1s 10 आ रहा है, तो गलत ही है ना ऑप्शन। 22 1s और 6 1s, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि देखिए 22 1s और 6 1s,
यहाँ पे अगर 20 वंस होता ना, 2020 एंड देन 6 वंस होता तो हमारा करेक्शन करेक्ट होता, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, जिसमें 3 टेंस और 4 वंस लिखा हुआ है, यानी 30। 3 टेंस का मतलब क्या होगा 30, एंड 4 वंस का मतलब क्या होगा 4, तो 30 + 4 इज 34, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। रिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, रिया के पास अलग अलग टाइप के फ्रूट थे। शी हैज 3 more apples देन ऑरेंजेस, उसके पास ऑरेंज से ऑरेंज जितने भी उसके पास ऑरेंजेस हैं उससे 3 ज्यादा एप्पल्स हैं। जितने शी हैज 6 more oranges देन गुआवा, जितने भी उसके पास गुआवा हैं उससे 6 oranges ज्यादा हैं। इफ शी हैज 4 guavas, अगर उसके पास 4 guavas हैं देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट शी हैज, उसके पास कितने फ्रूट हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, बैक से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है। हमें पता है इफ शी हैज 4 guavas, उसके पास 4 guavas हैं, ठीक है। कह रहे हैं अब शी हैज 6 more oranges देन गुआवा, यानी ऑरेंजेस कितने, जितने गुआवा थे उससे 6 ज्यादा, गुआवा थे 4 और 4 से 6 ज्यादा कितने हो जाएंगे हमारे पास, यानी 10। 4 + 6 = 10, उसके मतलब उसके पास 10 oranges है, ठीक है। लास्ट क्या है, शी हैज 3 more apples देन ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जितने भी हैं उससे 3 ज्यादा एप्पल हैं। 10 oranges थे, 10 से 3 ज्यादा कितने हो गए 13, 13 apples हैं उसके पास, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है टोटल फ्रूट कितना है, यानी 4 guava हैं, 10 oranges हैं और 13 apples हैं, तो टोटल फ्रूट कितने हैं हमारे पास। 4 + 3 = 7, 1 + 1 = 2, यानी टोटल फ्रूट्स जो हैं हमारे पास हैं 27 फ्रूट्स। सो दिस इज ऑल चिल्ड्रेन, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इवन इनफैक्ट समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, आप दोबारा से पहले तो देख सकते हैं वीडियो, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको कुछ पॉइंट कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके अलावा भी अगर कोई और टाइप के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो चिल्ड्रेन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो PDF है इस बुक की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, अगर आपको PDF बुक चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले का जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 1, उसकी वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन, वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहें, कि जब जब मैं वीडियो डालती हूँ आपको मैसेज आता रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर नंबर 3 में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, सी यू ऑल।